अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। इस समय हम मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा तरियाल ग्राम पंचायत के साहूर में और लोग वोट दे कर के आ रहे हैं, निकल रहे हैं, लोगों से हम बात कर रहे हैं। शांतिपूर्वक चुनाव, शांतिपूर्वक जो है मतदान यहाँ पर चल रहा है और लोग वोट कर रहे हैं आराम से और अपने अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग कैमरे के माध्यम से देखिए के बैठे हुए हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का मतदान यहाँ पे चल रहा है, लोग सही से वोट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये हम जानेंगे। क्या नाम हो आपका? इस्लाम, मोहम्मद इस्लाम। कहाँ? यहीं साहूर से है। साहूर का है। अच्छा, वोट किए हैं? हाँ। बिल्कुल शांति तरीके से कर पाए? बिल्कुल शांति। पुलिस प्रशासन का कैसा सहयोग मिला? बिल्कुल सही है वो भी। अच्छा, तो जिस तरह से देख रहे हैं इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है चाकुलिया में, तो क्या कुछ देखते हैं कि इस बार का जो वोटिंग रेट है वो कितना रहेगा और किस तरफ का रुझान लग रहा है आपको? यहाँ तो हमारा टीएमसी का चलेगा बहुत ज्यादा। अच्छा, आधार पार्टी का नहीं? नहीं। क्यों? हम लोग टीएमसी करते हैं तो यहाँ टीएमसी का खाते हैं। अच्छा। टीएमसी का पीते हैं, टीएमसी करने होगा हम लोग, होगा, यही तो हमारा काम है। अच्छा, चलिए और कुछ लोग हम भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हसनैन रजा। हसनैन रजा, कहाँ? यहीं से हैं आप? जी, यहीं से हैं। साउंड से जी। वोट किए? अभी नहीं किए। अच्छा, नहीं किए, करेंगे? जी करेंगे। क्या क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा आपका और क्या मतलब जो है यहाँ? जैसे कि हम लोगों का चकोरिया में एक कॉलेज का बहुत ही ज्यादा जरूरत है, उसके बाद जो हॉस्पिटल है उसको और भी डेवलप करना पड़ेगा, जो कोविड पेशेंट हुआ है अभी उन लोगों का इलाज जैसे हो वहाँ पे, और भी हम लोगों का इलाका जो रास्ता घाट ये सब है ये अच्छा हो। अच्छा, ये सब मुद्दे को सोच करके वोट करेंगे? जी जी जी। तो वर्तमान सरकार जो ममता बनर्जी की सरकार पिछले 10 साल से थी जी, अब वो कैसी रही? वो तो बहुत अच्छी रही। अच्छा, तो किस तरफ परिवर्तन के तरफ है या फिर खेला हो? खेला हाँ। चलिए आइए, कुछ लोग और हैं। चचा, क्या नाम हुआ आपका? जहीर। जहीर, यही साउंड से हैं? हाँ, साउंड से हैं। अच्छा, वोट किए? हाँ। डाल दिए? डाल दिए। आराम से डाल पाए? हाँ, कोई दिक्कत? हाँ, नहीं? आराम से, दिक्कत नहीं है। प्रशासन का सहयोग मिला पूरा? हाँ, सब। अच्छा, तो हाँ। क्या सोच के वोट किए, क्या मुद्दा? हाँ, क्या सोच के वोट किए? हम ममता सरकार दे है। हाँ। हम ममता सरकार नहीं, खराब नहीं है वो। अच्छा, वो अच्छा है, ममता सरकार अच्छा है, ममता का जो बोलता है वही करता है वो। अच्छा, ममता को हम लाएंगे यहाँ बंगाल में, वो भी रहेगा प्रधान। पिछले 10 साल से तो है। हाँ, वो लाएंगे। अच्छा है। अच्छा, लाएंगे फिर। ठीक, उसको। एक चचा यहाँ पे है, क्या नाम हुआ चचा? मथुर रावण। वोट किए? हाँ, नहीं किए अभी। अभी नहीं किए? नहीं किए। अच्छा, करने जाएंगे? हाँ। क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा आपके वोट का? हम ममता को वोट देंगे। ममता को दीजिएगा, मुद्दा क्या होगा, क्या सोच के करेंगे? क्या सोचेगा? वो आदमी अच्छा है, सब काम करता है अच्छा। उसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? उसकी को वोट देंगे हम। अच्छा, चलिए। एक चचा यहाँ पे, क्या नाम हुआ चचा? इस्लाम। इस्लाम, यही साउंड से है? साउंड से है। अच्छा, वोट कर लिए? नहीं किए अभी। अभी करेंगे? करेंगे। क्या क्या सोच के वोट करेंगे, क्या मुद्दा होगा? मुद्दा ये होगा जो ममता जो काम करता है 10 साल से, अच्छे से अच्छे काम करता है, अभी भी करेगा, वही उम्मीद लेके हम ममता ही को बनाएंगे फिर से। चलिए, आप भैया? हम तो सांवर से हैं, जी रामान। अच्छा, तो क्या देखते हैं इस बार के चुनाव में और वोट किए कि नहीं अभी? वोट हम कर दिए हैं। अच्छा, पहले क्या सोच के वोट किए, क्या मुद्दा था आपका? मुद्दा यही है हम लोग का, तो सरकार अच्छा है। अच्छा, काम काज भी बढ़िया से करता है, हर पब्लिक को देखता है, हिंदू मुसलमान से। हाँ, इस बार भी उसी को लाएंगे ममता को। आइए, एक भैया यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी बिलाल अहमद है। बिलाल अहमद, आप भी साउंड से हैं? हाँ, मैं भी साउंड से हूँ। अच्छा, वोट कर लिए कि अभी नहीं कर लिए? नहीं, अभी तक वोट कर नहीं पाया, वोट भी रहा, वोट हो रहा है अभी। अच्छा अच्छा, तो जिस तरह से वोट करेंगे अभी, तो क्या मुद्दा सोच के वोट करेंगे? ये हम लोग का जो डेवलपमेंट हो रहा है दीदी रह के, इसी डेवलपमेंट को होके वोट करेंगे हम। अच्छा दीदी, दीदी चलिए। हाँ, क्या नाम आपका? मेरा नाम मोहम्मद कौशल रजा। मोहम्मद कौशल रजा, क्या देखते हैं इस बार, जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि कोई दीदी को लाना चाहते हैं, कोई रोड रास्ता सड़क बिजली पानी इन सब मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, तो यहाँ पे आप हैं तो क्या कुछ लग रहा है कि क्या होने वाला है? बांग्ला ही बोली। हाँ। किछु ना, शुद्ध खेला होबे, মমতা ব্যানার্জির যে উন্নয়নের খেলা সেটা অব্যাহত থাকবে এবং সেটা আমরা যে তার পরিচালনা আমরা যা করছি
হ্যাঁ সবাই সেই উন্নয়নে ধরাকে বজায় রাখবে এবং সেই অনুযায়ী প্রত্যেক বুথ থেকে খবর নেওয়া হচ্ছে সেই বুথ থেকে খবর নেওয়া হচ্ছে এবং সেই দিক থেকে দেখছি এখন অবধি যত পোল হচ্ছে প্রায় 50-60% পোল হয়েছে ওর মধ্যে আমরা 40% আমাদের হয়ে গেছে টিএমসি পার্টি তৃণমূলের হয়ে গেছে। হ্যাঁ অবশ্যই এখানে যে এখানে যে অ্যাকচুয়ালি আগে থেকে আমাদের এখানে যে সিট দেওয়া হয়েছিল আগের বারকে আরিমান উরকে দেওয়া হয়েছিল বহিরাগতদের দেওয়া হয়েছিল কিন্তু এবার আমাদের জনসাধারণদের প্রিয় মানুষ হ্যাঁ যারা আমরা লোকাল নেতা আমরা চাইছিলাম তাকেই দেওয়া হয়েছে তার জন্য এখনকার যে জনসাধারণদের চাহিদা সেটা পরিপূর্ণ হয়েছে এবং সেটা পরিপূর্ণ এটা আজকের ভোটে সেটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে পুরো পরিষ্কার হয়ে গেছে যে এবার কে আসবে এটা বলে আর বোঝাতে পারবো না একদম। এবার মমতা ব্যানার্জী সরকার তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এখানে আমাদের যে বিধানসভা আছে চাকুলিয়া 31 এবার ভিক্টরের কোনো কিছু আসবে না এবার আজাদ মিনাজুর আরফিন যে আছে এবার সেখানে ইয়ে হবে আমাদের রেজিস্ট্রেশন মেম্বার এবার খেলা হবে শুধু খেলা হবে শুধু এবার সাউন্ড ভোট দেওয়া হলো দিলো দিনও না কোনো দিক্কত তো ভোট দিতে নি হল না কিছু নি হল শান্তি সে দেওয়া হলো হ্যাঁ পুলিশ প্রশাসন সে ওয়ার্ক কেমন সহযোগ মিলে ছে কিছু নি দিক্কত কোনো দিক্কত নি না কোনো দিক্কত নি ঠিক আছে চাচি কিছু নি বড় বড়িয়া সে দেওয়া হলো হুম হুম কোনো দিক্কত হল কি কিছু নি আরাম সে হুম ঠিক